तो गाइस अभी हमें सबसे पहले निकालने पड़ेंगे ये दो नेट। क्या लुक तेरा भैया, एकदम मस्त सेक्सी वाला। भाई इसका छेद देखो कितना बड़ा दिख रहा है यार। भाई करंट क्योंकि एक रोड डालने के बाद ना पूरा हीट जल्दी होती है गाड़ी। वेलकम बैक टू माई चैनल, आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट एंड फाइन गाइस। तो आज का ब्लॉग होने वाला एकदम स्पेशल, क्योंकि आज करने वाले हम लोग एग्जॉस्ट इंस्टॉल, जो कि है एक्ट्रा का। फिर भाई एक बात बताऊँ, इसका डीवी किलर निकाल रखा है, फर्स्ट टाइम मैं बिना डीवी किलर के चला रहा हूँ इसको। तो देखेंगे साउंड कैसा आता है और एक प्यारा सा राइड लेंगे, मस्त राइड मतलब ना। और बाइक चेक करो अपना भाई। तो गाइस अभी हमें सबसे पहले निकालने पड़ेंगे ये दो नेट एग्जॉस्ट के, एक यहाँ पे सामने और एक मेन नेट है ये। बस ये दो नेट निकालने हैं, उसके बाद ये सेंसर आ जाएगा बाहर। इसको गाइस एग्जॉस्ट अपना हो गया इंस्टॉल। भाई क्या लुक तेरा भैया, एकदम मस्त सेक्सी वाला। भाई इसका छेद देखो कितना बड़ा दिख रहा है यार, मतलब देखने में खतरनाक है। करके अभी कोल्ड स्टार्ट मस्त भाई, साउंड चेक करना भाई। ऊपर से हम लोग बेसमेंट में ना बहुत लोड आ जाएगा। गियर उतारना पड़ेगा, गियर में गाड़ी को सोच रहे होंगे अभी भाई दिन में ब्लॉक कर रहा था, रात को कहाँ पहुँच गया भाई। भाई लोड इतना हो गया ना एक दोस्त भाई, दिन में ब्लॉक कर ही नहीं सकते यार। अब सुन रहे होंगे भाई, अभी दिखाता हूँ आपको भाई क्या क्रैकर सा रहा है भाई बीच बीच में ना। तो भाई बहुत लोड हो गया, इसलिए मैं दिन में नहीं निकला, क्योंकि मेरे को पुलिस वालों का थोड़ा डर ही लग रहा था भाई। ऊपर से इलेक्शन चल रहे हैं ना, तो मैं दिन में निकला ही नहीं भाई, क्योंकि इतना लोड है दोस्त है ना भाई। बाइक लेके सीज़ कर देगा तो टेंशन हो जाएगा मेरे को। और अभी तो ट्रैफिक चेक करो भाई, 9:30 10 o'clock हो रहा है, फिर भी इतना ज़्यादा ट्रैफिक है। एक मस्त अभी यहाँ से ब्रिज ले लेंगे, ब्रिज चढ़ जाएंगे भाई। भाई चेक करो भाई, बहुत लोड हो गया। तो मेरे को ना ऐसा लग रहा है कि मैं छपरी बन गया भाई, सच में इतना मैटर करता है भाई डीवी किलर। फुल सिस्टम एग्जॉस्ट भाई, बिना डीवी किलर के ना भाई पावर भी ना इंक्रीज हुआ, मेरे को ऐसा फील हो रहा है भाई। देखो 6 gear में कितना RPM है अभी, हाँ 80 चल रही है भाई, 5500 RPM पे। तो मस्त एकदम ना पूरा घूम पम वाला फील आ रहा मेरे को। भाई क्या पटाखा मारा है इसने अभी, भाई क्या क्रैकर्स मार रही है भाई बीच बीच में। डीकैट हो रखा है इंजन, तो इंजन में प्रॉब्लम ना आए उतार दूंगा मैं इसको जल्दी। तो एक दो दिन यूज करके ना उतार दूंगा, तो मैं नहीं चाहता हूँ अभी कि यार खर्चा बड़े, इंजन में प्रॉब्लम आए कुछ, फिर रिपेयर करो ये करो वो करो। बाकी पावर तो मिला यार, अच्छा था पावर। हीट हो गया होगा भाई इंजन तो गाड़ी का ना, क्योंकि गाड़ी डीकैट होने के बाद ना बहुत हीट अप हो जाती है यार। चुपचाप प्लीज भाई, आई होप आपको दिख रहा होगा, थोड़ा लाइट तो है यहाँ पे। हाँ मस्त अच्छा दिख रहा है,
मेरा बाइजर थोड़ा ब्लैक है ना, इसलिए मेरे को मालूम नहीं चलता बाहर का कैसा दिख रहा सीन क्या है। वो ठीक हो गया, बहुत ज़्यादा ही चल रहा है। रेडिएटर तो ऑन नहीं हुआ, वैसे हीटअप तो हुआ भाई, कितना लग रहा है मेरे को, क्योंकि एग्जॉस्ट डालने के बाद ना पूरा हीट जल्दी होती है गाड़ी, तो डीकैड हो जाता है ना, जो भी कैटली कन्वर्टर रहता है ना एग्जॉस्ट में, वो पूरा निकल जाता है फुल सिस्टम एग्जॉस्ट डालने के बाद। स्लिप ऑन डालेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, फुल सिस्टम डालेंगे तो निकल जाता है, तो इसकी वजह से जो गैसेज है ना वो सीधा निकल जाती है इंजन से बाहर, इसलिए बहुत हीट हो जाता है इंजन। इसके लिए फिर परफॉर्मेंस एयर फिल्टर डालना पड़ेगा आपको, तब जाके थोड़ा दिखता है इंजन विंजन फ्रीज ना हो, तो ज़्यादा यूज़ मत करो फुल सिस्टम एग्जॉस्ट, नहीं तो भाई इंजन बहुत जल्दी सीज होती है, मतलब क्रैंक वैंक कुछ सही करना है जिससे स्मोक मारना नहीं। Stay healthy and safe. Ride safe, guys. Bye bye, guys.